फ्रेंड्स, आज पन्नालाल घोष शताब्दी समारोह का वर्ष भर जो चला है, आज आखिरी सेशन है सुबह और शाम। और हमारे बीच एक बहुत बड़े काबिल उस्ताद आए हैं, उस्ताद असलम खान साहब। पिछले कई वर्षों में इन्होंने कई बार यहाँ गाया, जब भी बुलाए बिल्कुल इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करके आ गए, इनका बड़ापन है। उस्ताद असलम खान साहब आज हिंदुस्तान में बचे हुए शायद ही बहुत कम उस्ताद हैं काबिल जिनको कह सकते हैं। भरपूर तालीम, भरपूर रियाज, भरपूर जानकारी, रागधारी वगैरह वगैरह, वाकई जिनको उस्ताद कहा जा सकते हैं। आजकल तो सभी उस्ताद पंडित बन जाते हैं, लेकिन सच के उस्ताद असलम भाई हमारे आज हमारे बीच हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। और आप में से कई लोग जानते होंगे इनके उस्ताद, उस्ताद अजमत हुसैन खान साहब। और उस्ताद खादिम हुसैन खान साहब, उस्ताद विलायत हुसैन खान साहब, अल्ताफ हुसैन खान साहब मेरे नाना, इनके नाना अल्ताफ हुसैन खान साहब, ये है बीच में, ये बैठे हैं गा रहे हैं जो। असलम खान साहब 5-6 घरानों के नुमाइंदे हैं, आगरा, अतरौली, हापुर, खुर्जा, दिल्ली, सिकंदरा। और यहाँ भी 2 साल पहले भी असलम भाई गा चुके, इससे पहले कई बार गाए। जब भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे फादर निखिल घोष जी भी जब भी बुलाते थे असलम भाई यहाँ गाना है, बिल्कुल हाजिर हो जाते थे। इनका बड़ापन है, एक बुलावे में आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपने देखा अभी उनका फिजिकल कंडीशन, उस कंडीशन में भी गाने की हिम्मत रखते हैं, आजकल ऐसा दिखता नहीं है। और कल ही रात को बात हो रही थी फोन पे, उन्होंने कहा कुछ लोग गलत लोग होते हैं जो फैला देते हैं कि असलम भाई आजकल गाते नहीं है, बंद कर दिया। इन्होंने कहा कि मैं गाता था, मैं तो, मेरा गाना बढ़ गया, बंद कहाँ हो गया, बढ़ गया। और प्रोग्राम हो ना हो, रोज़ाना 3-4 घंटे का रियाज, इस हालात में भी अपने गाने को इतना, गाने से इतना मोहब्बत, इतना गाने से इतना प्रेम और डिवोशन कि वो इबादत समझ के करते हैं। ये असलम भाई आज हमारे बीच मौजूद है यहाँ, गिव अ बिग हैंड प्लीज। और इनके साथ दे रहे हैं वजाहत भाई, वजाहत हुसैन खान साहब, जो अजमत हुसैन खान साहब के बेटे हैं, और असलम भाई के पास तालीम हो रही है उनकी। हारमोनियम पे निरंजन लेले, वेल नोन हारमोनियम पे, तानपुरा जिगना, थैंक यू। तबले पे पंडित नयन घोष, इतनी देर से तुम ये कर रहे हो तो एक सुरी मुझे भी छोड़नी चाहिए, एक सुरी मुझे भी छोड़नी चाहिए।
जो नैन मियाँ ने मुझे दावत दी आज के दिन के लिए, और एक कलाकार के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए बहुत खुशनसीबी है कि पंडित पन्नालाल जी घोष जैसे हस्ती, महान हस्ती के याद में मैं अपना प्रोग्राम आपके सामने गाना पेश करूँगा।